13 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात संगीन। एमकेएम के बाद बाप ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी क़यादत की वज़ीर आज़म से मुलाकात, शिकायत के अंबार लगा दिए। असलम भोतानी ने कहा, आप मिलना गवारा नहीं करते। आसिफ जरदारी की मोहब्बत में आपके साथ आए, मोहब्बत महंगी पड़ रही है। खालिद मक्सी ने खरी खरी सुना दी, बोले गैर मशरूत आपके साथ हैं, नज़रअंदाज न करें। वज़ीर आज़म मुनासिब जवाब ना दे सके। हमजा शहबाज की कुर्सी लड़खड़ाने लगी। मुनहरे फरकान को निकालकर दोबारा वजीर आला पंजाब के लिए वोटिंग करवा लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत में रिमार्क्स, कहा इलेक्शन डेप्टी स्पीकर ही करवाएगा क्योंकि अदालत के फैसले को चैलेंज नहीं किया गया। पीटीआई वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा, हमजा शहबाज की मौजूदगी में इलेक्शन गैर आइनी होगा। हमजा को हटाकर इंतखाबात के लिए 10 रोज का वक्त मुकर्रर किया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब को एक रोज की मोहलत, समाअत कल तक मुलतवी। हमजा शहबाज की हिमायत नहीं करते। चौधरी शुजात की लीगी दावे की तरदीद, कहा साफ अल्फाज में कहता हूँ, परवेज इलाही हमारे उम्मीदवार हैं, वोट परवेज इलाही को देंगे। अफवाहें फैलाकर हमारे रुकन को गलत फहमी में डालने की कोशिश न की जाए। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। भारत के खिलाफ होम सीरीज के बाद कीवी टीम पाकिस्तान आएगी। दिसंबर जनवरी में 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस की सीरीज होगी। न्यूजीलैंड की टीम अप्रैल में दोबारा व्हाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।